हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू पवित्र फोटोग्राफी। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लग रही है। सो देख सकते हो गाइज, ये है फोटो, ठीक है। तो इस टाइप का फोटो पहले था, देख सकते हो फेस कितना ब्लैक है, कितना ब्लैक है, देख सकते हो। इस टाइप का फ़ोटो को मैंने कुछ इस टाइप का बनाया हूँ। तो गाइज़, आप भी चाहते हो कि आपका फ़ोटो को भी इस टाइप से एडिट करना, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, और एक छोटी सी बात, गाइज़ आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। गाइज, पहले आपको क्या करना होगा, पहले जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को शेयर कर देना होगा स्नैपसीड ऐप पे। सिंपली स्नैपसीड ऐप पे आने के बाद देख सकते हो फोटो स्नैपसीड ऐप पर आ चुका है। तो यहाँ से पेन वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ट्यून इमेज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको एम्बियंस का एक ऑप्शन है, ठीक है, इसको इतना कर लेना होगा। इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद फ़ोटो को शेयर कर देना होगा लाइट रूम पे। तो मैं जल्दी जल्दी से लाइट रूम ऐप पे शेयर कर देता हूँ। गाइज, सिंपली लाइट रूम पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको ऑल फोटोज पे क्लिक कर देना होगा। के बाद आपका फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद शैडोज़ को अच्छे तरीके से भाई यहाँ मिनिमम इतना रख लेना होगा। उसके बाद हाईलाइट को कम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रखना होगा, तो आपके फ़ोटो का हिसाब से करना, ठीक है। यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके देन आपको विग्नेट को ऐसा कर देना होगा। ये करने के बाद यहाँ पे मिक्स टूल पे जाने के बाद कलर्स को मैं ठीक कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी ऐसे ही करना जो कलर मैं रख रही हूँ। गाइज, ये हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना होगा। डन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद विग्नेट को थोड़ा सा माइनस की साइड कर देना होगा। साइड करने के बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा, टेक्सचर को भी थोड़ा सा। उसके बाद शार्पनिंग पे आने के बाद शार्पनिंग को इतना कर देना होगा, मास्किंग को भी इतना, नॉइज़ डिटेक्शन को भी इतना, और कलर नॉइज़ डिटेक्शन को भी इतना कर देना होगा। करने के बाद फ़ोटो को लेकर चलना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। तो इस फोटो को शेयर कर लेता हूँ, आप शेयर टू ऑटोडेस्क स्केचबुक कर लूँगा। ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ऑटोडेस्क पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और एक लेयर बना लेना होगा। लेयर पे क्लिक करना होगा। इस लेयर को क्लिक करके आपको सॉफ्ट लाइट कर देना होगा। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट लाइट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करना होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग को कुछ इतना रख सकते हो। सेटिंग को भाई आपके हिसाब से रखना, ठीक है। तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद कलर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये वाला कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और कुछ इस टाइप से यहाँ पे चलाना।
गाइज ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इस वाला लेयर को सिलेक्ट करके इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना होगा, ठीक है, मिनिमम इतना रखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपको इस लेयर के नीचे वाला लेयर को सिलेक्ट कर लेना होगा, फोटो वाला लेयर को, ठीक है। इस वाला लेयर को सिलेक्ट करके फेस को स्मूथ करना होगा, इसलिए मैं ये वाला ब्रश को मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये वाला ब्रश बहुत अच्छा एडिट करता है भाई, फेस स्मूथ बहुत अच्छे से करता है। तो इसका सेटिंग को आपको कुछ इतना रखना होगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप सीख भी सके। तो आप जल्दी जल्दी में नहीं करना भाई, ठीक है, तो धीरे धीरे से करना, यही मैं आपको बोलूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ बस। गाइज ये हो जाने के बाद देख सकते हो हम फेस स्मूथ कर लिया हूँ। ये हो जाने के बाद आपको एक PNG को ऐड करना होगा, स्मोक PNG को, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इनपुट इमेज पे क्लिक करके एक PNG को मैं जल्दी जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। गाइज ये वाला PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये राइट कर देना होगा। राइट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके इनपुट इमेज पे क्लिक करना होगा। ये वाला PNG को आपको ऐड कर लेना होगा। इसको लेयर कहूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल को हम कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा दूँगा। लगाने के बाद डन कर दूंगा। डन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस ब्रश का साइज को कुछ इतना रखना होगा, देख सकते हो इतना होगा। ये हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करके हम हेयर पे एक कट दे देंगे, ठीक है। लेयर को यह कर देना होगा। यह करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे कट दे देना होगा, देख सकते हो, देख सकते हो हेयर पे कट दे दिया हूँ। तो सिंपली फोटो को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर सकते हो। तो गाइस फोटो तो सेव हो गया, लेकिन आपने तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।